रूस मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका की पकड़ को कमजोर करने में लगा हुआ है और उसकी इस कोशिश में ईरान उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। रूस ईरान को हथियारों और पैसों की सप्लाई करता है और ईरान लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हूती और गाजा के हमास को सपोर्ट करता है और यही वजह है कि हमास के कई बड़े नेताओं का जमघट रूस में अक्सर देखने को मिला है, जिसकी वजह से रूस पर पर्दे के पीछे से ईरान समेत तमाम गुटों को हथियार सप्लाई करने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन नसरल्ला की मौत के बाद रूस हिजबुल्ला के खुलकर समर्थन में आ गया है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति भवन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने नसरल्ला की हत्या की कड़ी निंदा की है। रूस का कहना है कि इजराइल की इस कार्रवाई से इलाके में हालात और ज्यादा अस्थिर हो जाएंगे। नसरल्ला को लेकर पेस्कोव ने अपने बयान में कहा कि नसरल्ला की मौत से मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। रूस इस तरह की कार्रवाई की निंदा करता है। हम मानते हैं कि उन्होंने इलाके में महत्वपूर्ण रूप से हालातों को अस्थिर कर दिया है। रूस का ये कहना है कि इजराइल के लेबनान के भीतर नागरिक ठिकानों पर हमलों से आम लोगों की जान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, जिससे लेबनान में गाजा जैसे भयावह हालात बन जाएंगे। वहीं कुछ जानकारों का ये भी मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ता है तो इसमें ईरान सबसे पहले कूदेगा, जिससे हालात और ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियन ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि ईरान और रूस के बीच महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को लागू करने से पश्चिमी प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए बड़ी क्षमता पैदा होगी। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति पजिश्कियन ने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन से मुलाकात की है। पजिश्कियन का कहना है कि ईरान को एक ट्रांजिट और गैस हब में तब्दील करना इलाके में रूस और ईरान के बीच सहयोग का बड़ा उदाहरण है, जिसमें दोनों देशों के हित सुरक्षित हैं। लेकिन पजिश्कियन ने ब्रिक्स और एसईओ को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि ब्रिक्स और एसईओ के भीतर क्षेत्रीय सहयोग से स्वतंत्र देश जैसे ईरान, रूस और चीन की अमेरिका के एक तरफावाद का मुकाबला करने के लिए ताकत बढ़ेगी। आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति ने रूस से ये भी कहा कि इजराइल और अमेरिका के सीधे सपोर्ट से इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका की इलाके में मौजूदगी बढ़ाने का एक आधार तैयार हो जाएगा। इससे दोनों ही और क्षेत्रीय देशों के हितों को खतरा है। वहीं पेजर डिवाइस में हुए धमाकों को लेकर रूस का कहना है कि ईरानी सेना ज्यादातर घरेलू या रूस या चीन में बने कम्युनिकेशन डिवाइसों का इस्तेमाल करती है। वहीं एक ईरानी अधिकारी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि पेजर धमाकों के बाद लेबनान में बड़े पैमाने पर सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जांच की जा रही है। वहीं दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि मुझे नहीं पता कि ये सूत्र कितने विश्वसनीय है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगा कि हमारा व्यापार और आर्थिक संबंध ईरान के साथ विकसित हो रहे हैं।